कहते हैं ना, पूत के पांव पालने में ही नजर आने लगते हैं। इन उपचारित बीजों को देखकर ऐसा लग रहा है कि इस बार अरहर की फसल जबरदस्त होने वाली है और ये बीज रोपाई के लिए बिल्कुल तैयार हैं। इससे पहले कि दीदी आज ही इन्हें खेत में लगाएं, आइए देखते हैं कि रहर की खेती में हमें किन किन चरणों से होकर गुजरना पड़ता है। खेत की तैयारी, बीज का चुनाव एवं उपचार, बीज की रोपाई, कपोलों की तुड़ाई, उकठा या पौधा सूखने की बीमारी से बचाव, फल छेदक कीड़े से बचाव, फसल की तुड़ाई एवं भंडारण। रहर के बीजों की रोपाई से पहले आइए देखते हैं कि दीदी को पिछले वीडियो रहर के बीजों का चुनाव एवं उपचार से कितनी बातें याद हैं। इस बार बीज को 10 घंटे के लिए पानी में भिंगो कर रख दिए थे, फिर उसको बीजामृत से उपचारित किए, उसके बाद राइजोबियम से बीज को उपचार किए। इससे पहले हम लोग ऐसा नहीं करते थे। फिर उसको 24 घंटे के लिए बीज को सूती कपड़े में बांध कर रख दिए थे ताकि उसमें अंकुर आ जाए। ये दीदी इस बार रहर की लहलहाती फसल देखकर ही मानेंगी, और बिल्कुल यही जज्बा होना भी चाहिए। आज हम देखेंगे कि दीदी रहर के बीजों को कैसे खेत में लगाती हैं। लेकिन आपको पता है कि रहर के बीजों को खेत में लगाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है? नहीं ना, आइए देखते हैं। देखिए, रहर को लगाने के दो तरीके हैं। पहला, कि जब आपका खेत तैयार हो तो मेड़ के ऊपर एक एक मीटर की दूरी पे फौड़े से गड्ढे कर दो दो बीज लगाए जाए। दो बीज लगाने का मकसद ये है कि अगर पहला बीज ना भी निकले तो दूसरे बीज से पौधा निकल आएगा। दूसरा तरीका ये है कि जो पौधे आपने नर्सरी में तैयार किए हैं उसको मेड़ के ऊपर एक एक मीटर दूरी के ऊपर एक एक फौड़ा गड्ढा कर उसमें लगा दें। ध्यान रहे कि प्लास्टिक उस पौधे से जरूर निकाल दें, और लगाने के बाद उसमें चारों तरफ हल्की मिट्टी डाल के हल्के हाथों से दबा दें। यहाँ वीडियो रोककर चर्चा करें, मेड़ पर बीज बुआई के लिए कितनी दूर पर गड्ढा बनाना है, और उस गड्ढे के बगल में मेड़ के नीचे एक और गड्ढा क्यों बनाते हैं। बिल्कुल यही सही तरीका है रहर के बीजों को खेतों में लगाने का। लेकिन एक और बहुत जरूरी बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, और वह है रहर के बीजों को खेतों में लगाने से पहले खाद प्रबंधन जरूर करना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे ये खाद प्रबंधन क्या बला है, आइए देखते हैं। दीदी, ये गोएठा रखे हैं, बीज लगाने के बाद क्या लिट्टी खिलाइएगा? दीदी, लिट्टी तो शाम में खिलाएंगे, लेकिन ये गोएठा साधारण गोएठा नहीं है, ये तो घनजीवा मृत गोएठा है। ये क्या होता है दीदी? इसके बारे में मैं विस्तार से तुम्हें बाद में बताऊंगी, और इसका मैं एक तुम्हें वीडियो भी दिखाऊंगी कि ये कैसे बनाया जाता है। अभी बस इतना समझ लो कि ये घरेलू सामग्री से मिलाकर बनाया जाता है। ठीक है दीदी। चलो पहले बीज लगाने के लिए एक एक मीटर की दूरी पर एक एक फौड़ा गड्ढा बनाते हैं। ये गड्ढे में क्यों दीदी? इसलिए दीदी, बरसात के समय में उस गड्ढे में पानी जमा रहे और उस पौधे को अधिक दिन तक नमी मिलती रहे। ये गड्ढे में ही बीज लगाना है ना दीदी? हाँ दीदी, हर गड्ढे में एक गोएठा चूर चूर करके डालेंगे। साथ ही साथ ट्राइकोडर्मा मिला हुआ गोबर की खाद हर गड्ढे में 200 ग्राम डालेंगे, इसके बाद ही हम बीज लगाएंगे। 200 ग्राम लगभग क्या एक अंजूरी हो गई ना दीदी? हाँ हाँ, एक अंजूरी ही। चलो पहले गड्ढा बनाते हैं और इन दोनों को डालते हैं। ठीक है दीदी, चलिए डालते हैं। चलो दादा को बुलाते हैं गड्ढा बनाने के लिए। यहाँ वीडियो रोककर चर्चा करें, बीज लगाने से पहले हमें कौन कौन सी खाद एवं उसकी कितनी मात्रा गड्ढे में डालनी चाहिए। चलिए दीदी, अब हम इसमें बीज लगा देते हैं। दीदी, हर गड्ढे में दो दो बीज ही डालनी है ना? हाँ दीदी, दो बीज ही रोपना है। दीदी, दो मेड़ के बीच में खाली जगह है, वो क्या खाली रहेगा क्या? नहीं, बिल्कुल खाली नहीं रखना है,
इसमें आप मकई, बादाम या उड़द लगा सकते हैं। ठीक है दीदी, फिर इसमें मकई डालेंगे। ठीक है, तुम जो चाहो। सघनीकरण विधि से रहर की खेती में अंतः फसल यानी बीच की फसल लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि रहर के दो लाइनों के बीच में 2 मीटर की दूरी रखी गई है और शुरू के 3 महीनों में रहर के पौधे बहुत धीरे धीरे बढ़ते हैं। इसीलिए बीच में एक और फसल उगाकर अतिरिक्त आमदनी ली जा सकती है और साथ ही इससे खरपतवार भी नियंत्रित होते हैं। मक्का, उड़द, बोदी, मूंगफली, घाघरा, कुल्थी आदि ऐसी फसलें हैं जो रहर के साथ अंतः फसल के लिए उपयुक्त होती हैं। झारखंड के कुछ हिस्सों में रहर को मड़ुआ के साथ भी लगाने का प्रचलन है। किसान अपनी रुचि, अनुभव और जरूरत के हिसाब से इनमें से कोई भी फसल अंतः फसल के लिए चुन सकता है। अंतः फसल लगाने से किसान को न सिर्फ अतिरिक्त आमदनी होगी बल्कि खेत में खरपतवार भी नियंत्रित होंगे और खेत में लंबे समय तक नमी सुरक्षित रहेगी, जिससे कि रहर के पौधों को भी फायदा होगा। अंतः फसल के चयन से लेकर उसकी खेती तक हमें कुछ नियमों का पालन करना बहुत जरूरी होता है। जैसे कि अरहर के 2 मेड़ों के बीच अंतः फसल इस तरह से लगाएं कि अंतः फसल के लाइन और रहर के लाइन के बीच में कम से कम 10 से 12 इंच की दूरी हो। इन फसलों को रहर की बुआई या रोपण के साथ ही लगा देना चाहिए। ज्यादा देर या ज्यादा पहले लगाने से बचना चाहिए। किसी भी अंतः फसल को लाइन से ही लगाना चाहिए। मकई और मूंगफली की 3 लाइन और बोदी, उड़द, कुल्थी आदि की 4 लाइन रहर के 2 मेड़ों के बीच में लगाई जानी चाहिए। अंतः फसल को लगाने से पहले उनके बीजों का बीजामृत से उपचार करना बहुत जरूरी है। अंतः फसल में भी जैविक खाद जैसे कि गोबर खाद, केचुआ खाद, नाडेप, घन जीवामृत और जीवामृत आदि का ही प्रयोग करें। रोग और कीट नियंत्रण के लिए जैविक दवाओं का ही प्रयोग करें, जैसे कि रोग नियंत्रण के लिए खट्टा मट्ठा घोल या गोबर हींग दवा और कीट नियंत्रण के लिए नीमास्त्र, ब्रह्मास्त्र या अग्नियास्त्र। अंतः फसल की जरूरत के हिसाब से 1 से 2 बार उसकी निराई गुड़ाई करना अति आवश्यक है। यहाँ वीडियो रोककर चर्चा करें। बीज लगाते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए तथा अंतः फसल लगाना क्यों जरूरी है और इसके क्या क्या नियम हैं? कहते हैं ना कि खूबसूरती इंसान के आंखों में होती है, और मेरी आंखें ये बता रही हैं कि दीदियों ने इस बार रहर के बीजों को खेतों में बड़े ही खूबसूरत तरीके से लगाया है। मुझे पक्का यकीन है कि इस बार रहर की फसल जबरदस्त होने वाली है। अब मैं आपको रहर के एक विशेष गुण के बारे में बताता हूँ। रहर के कोमल पत्तों को पीसकर घाव या जख्मों पर लगाने से घाव जल्दी सूखते हैं और घाव पकता भी नहीं है। अब अगले वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि रहर के कपोलों की तुड़ाई कैसे करते हैं। आइए देखते हैं इसकी एक झलक। बीज या पौध की रोपाई में समझौता न करने वाले बिंदु। रोपाई के लिए उपचारित एवं अंकुरित बीजों अथवा तैयार किए गए पौधों का ही प्रयोग करें। मेड़ पर 1 मीटर के अंतराल पर बीज बोने के लिए गड्ढा बना लें तथा हर गड्ढे की मिट्टी में 200 ग्राम ट्राइकोडर्मा से जमाई हुई गोबर की खाद मिला दें तथा घन जीवामृत का 1 गोईठा डालें। हर गड्ढे में 2-2 बीजों की बुआई लगभग 2 इंच की गहराई पर करें। पौध रोपण के लिए स्वस्थ पौधों का चयन करें। मेड़ के नीचे बीज लगाने वाली जगह के समानांतर 1-1 मीटर के अंतराल में 1-1 फावड़ा गड्ढा बनाएं।